ये खच्चर भाई 3 बार, ये देखो देखो ये देखो, ये अत्याचार कर रहे हैं इस पे। घोड़े की क्या हालत हो गई है। तो प्लीज पहला टेंट, ये दूसरा टेंट, और एकदम मंदिर के पीछे कैसे स्लीपर मार रहे है। देखो उसकी लातें टूट जाएंगी भाई, उसको रेस्ट दे दे भाई, रेस्ट दे दे उसे। देख उसकी लातें मुड़ रही है जी, कैसे घोड़े से गिर गया बेचारा। अभी देखो घोड़े की हालत खराब कर रखी है। 60 साल उम्र है माता की, देखो माता पैदल जा रही है। खच्चरों पर यात्रा ना कीजिए, ना कीजिए। दिल्ली की एवरेज 15 खच्चर मरने की। देखिए भाई साहब बर्फ पड़ी हुई है, गले बैठ गए। कम 4-5 किलोमीटर की लाइन है, देखो रश। देखो भाई मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू गब्बर गैरेज। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग। तो भाई आज हम निकल रहे हैं केदारनाथ से। आपने एपिसोड 1 देख लिया होगा त्रिगुनारायण का। तो इस टाइम पे हम त्रिगुनारायण जी, तो हमारे बैग वगैरह रेडी हो गए हैं। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग का व्यू देखिए एक बार, धूप निकल गया काफ़ी अच्छी, और ये मॉर्निंग व्यू है। और बंदे हमारे हो गए हैं रेडी। रेडी हो भाई? बिल्कुल बंदे भाई रेडी। ओके ओके रिपोर्टर, चलो फिर भाई हम करते हैं गाड़ी को लोड। गाड़ी को लोड करने सबसे मेन टास्क है जो हम करने वाले हैं इस टाइम पे। तो ये हमारे बैग वगैरह रेडी हो गए हैं, शीटें वगैरह रख ली हैं, और अब करते हैं गाड़ी को लोड। ये भाई एक बंदे ने हमारे भाई मिले हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो त्रिगुनारायण वाली देखी होगी। तो अब वीडियो का नैनू में रोक जा। आप बंदे भाई हमें मिले हैं, लास्ट टाइम भी हमें मिले थे, पिछली बार आए थे, टेंट लगाया था वहाँ, टेंट लगाया था, याद है? त्रिगुनारायण। हाँ जी मंदिर मामन, ये तो गोमा कोशिश ना करी इस टाइम ते जो भी कर देखो भाइयों, ये लाइन चालू हो रखी है 4 किलोमीटर नीचे पार्किंग से, ठीक है, सोन प्रयाग से। ये देख लो भाई लाइन है अंदर, रजिस्ट्रेशन दिखा के अंदर जाने के लिए, मतलब चढ़ाई शुरू करने के लिए। देख लो भाई कितनी भीड़ है, देखो लाइन देखते जाओ बस, तुम खत्म नहीं होगी भाई दूर दूर तक। देखो पूरी देख रहे हो, यहाँ से चालू है लाइन भाई। ये देखो 4 किलोमीटर तक की लाइन है। हरण महादेव भाई हम यात्रा कर रहे हैं स्टार्टअप, और यहाँ लाइन देख सकते हो पार्किंग से सोन प्रयाग की। हमारे बंदे एकदम तैयार तुर हो गए हैं, बैकपैक हो गए हैं वो सारे भाइयों के, और यहाँ से करेंगे यात्रा स्टार्ट। और लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। अब यहाँ से चेक करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आगे जाके आपको सारे अपडेट्स देते हैं भाई। अपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी करा के आओ, यहाँ से देखो पार्किंग से ही लाइन बहुत लंबी है, कम से कम 4-5 किलोमीटर की लाइन है, और यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन सारी चेक हो रही है, एक एक को चेक करके ही भेज रहे हैं आगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। अगर इनकेस किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको वो ऑफलाइन भी करा सकते हैं, और यहाँ से ही आपको टिकट ही मिल जाएंगे। यहाँ पे चेक हो रही है, यहाँ पे स्कैन हो रही है आपके बार कोड्स वगैरह भाई। ये है अभी सोन प्रयाग में, यहाँ पे लाइन जो लगी हुई है ये है टैक्सी की लाइन, जो हमें टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड जाना है, ये वाली लाइन है सारी। लाइन बहुत लंबी है भाई, पुल के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ से जो अपनी गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी, ये देखो ये पुल से यहाँ पे लाइन पूरी भाई एकदम रूल से सिस्टम से चल रहा है काम, कोई भीड़ भड़का धक्का मुक्की नहीं है। अभी हमें पुल के ऊपर, पानी इस बार थोड़ा कम है लग रहा है। स्टार्ट हो गई है यहाँ से अपनी गौरीकुंड के लिए, और बंदे अपने भाई टैक्सी वाला मिल गया सानू, बड़ी मुश्किल ना बढ़ाया बंदे साढ़े ने। हेलो बोलना, हेलो कह रहे भाई, हेलो हाँ गलत
गड्डी से गड्डी चढ़ी हो उत्थे। देख सकते हो भाई गौरीकुंड के लिए जो टैक्सी है ये एक किलोमीटर तक यहाँ भी जाम लगा पड़ा पूरा, ये देख लो। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से पैदल चले जाएँ, नहीं तो एक घंटा ख़राब हो जाएगा हमारा यहाँ। और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है। ये हमारा सामान यहाँ पड़ा है सारा। तो भाई हम गौरीकुंड से एक किलोमीटर पहले उतर गए हैं क्योंकि तो ट्रैफिक इतना है, एक घंटा यहीं से लग जाएगा। तो हम उतर गए हैं गौरीकुंड से एक किलोमीटर पहले, हम यहीं से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि गाड़ियाँ आधे रास्ते से मोड़ रहे हैं। भाई बारिश हो रही है नॉन स्टॉप और खच्चरों का तो रश में पता ही है। और कृपया करके रेनकोट अपना साथ में रखना, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। और पसीना कितना आ गया, तो अभी मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़े हम यहाँ से। अभी 16 to 17 किलोमीटर भी केदारनाथ है और हालत हो गया काफ़ी ख़राब क्योंकि बहुत दिनों से ट्रैवल नहीं किया है। अपना एक बंदा देखो कैसे रेस्ट ले रहा है। ये देखो भाई, ये अभी प्रेगनेंट हुई है, अभी बच्चा दिया इसने। ये देखो इसका बच्चा, ये रहा भाई दिखाइए यार। ये देखिए भाई, अब थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है। और वो देखिए, जैसे ही मौसम क्लियर हुआ है पहले बर्फ के दर्शन कीजिए। ओह स्वर्ग है भाई स्वर्ग। ये देखो भाई, ये है केदारनाथ। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी और अब बहुत ही तेज धूप निकल चुकी है और कचरों का तो रखा ही है, पसीने निकल गए हैं। ये हमारे सुमित भाई, भाई 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अब 1-2 मिनट में कहती इतनी तेज धूप निकल गई है, पसीना निकल गया भाई। हाँ ये तो केदारनाथ है भाई, मजा आ गया भाई। अभी मैक्स टू मैक्स 3 से 4, ये देखिए क्या हाल हो गया जूतों का। इधर देखिए, ये देखो जी कहाँ से आए माता जी, माता जी देखो एमपी से आई हैं और पैदल जा रही हैं। यह देखो और ये एमपी से। अब ये देखो ये यंग बंदे, आ देखो यंग बंदे साढ़े खच्चरा से जा रहे हैं। आ देखो माता जी देख लो, ये तो पता लग रहे 60 साल उम्र है माता की। देखो माता पैदल जा रही हैं, 60 साल है। और बंदे देखो, आ देखो ये अपने ऐशो आराम ना जा रहे हैं। की फायदा था यात्रा का। चलो ठीक है, ठीक है माता जी, जय श्री राम। ये देखिए भाई बर्फ दिख रही है, ये देखिए। अरे छोटा सा झरना है, यहाँ से छोटा लग रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा होगा वो। और 2 मिनट रुके हैं रेस्ट करने के लिए। ये देखिए भाई कैसे लेके जा रहे हैं, अरे एक आदमी को, इसको डोली बोलते हैं। 4 आदमी मिलके एक आदमी को पूरा वेट उठा के लेके जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो कृपया खच्चर घोड़े अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि पैदल यात्रा करिए। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना काफ़ी निकल चुका है इस टाइम पर। तो यहाँ से कुछ हम रामबाड़ा 2 किलोमीटर रह गया, तो रामबाड़ा जाके मिलते हैं। पहुँच गए हैं भाई रामबाड़ा। रामबाड़ा पहुँचते पहुँचते हो गया हालत ख़राब। अब यहाँ पे हम करेंगे आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, अभी तक एक भी रेस्ट नहीं लिया हमने। ये है रामबाड़ा, जहाँ पे जब बाढ़ आई थी सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ हुई थी। बिकॉज रीज़न इसका ये है कि सबसे नीचे यही पॉइंट है, सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ हुई थी रामबाड़ा में। और धूप निकल रही है, पसीना काफ़ी आ रखा है। ये देखो वो पुराना पुल जो बाढ़ के टाइम में बह गया था, आज भी इसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखो भाई रामबाड़ा का पुल आ गया। ये देखिए भाई खूबसूरती। वहाँ
कहाँ से आए हैं भाई, देखो कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ जाना है वो देखो। देखिए भाई साहब बर्फ़ पड़ी हुई है, गले बैठ गए हैं, काफ़ी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है अभी, पूरा बर्फ ही बर्फ है। बस यहाँ से बेस कैंप 2 किलोमीटर रह गया, बंदे हमारे काफ़ी पीछे रह चुके हैं। बोले 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 बोले। भाई हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए थे 8 बजे और लाइन काफ़ी छोटी थी और हम जल्दी से लाइन में लग गए थे, तो जितने भी बंदे लाइन में लगे हुए थे सबके दर्शन करा के ही गेट को बंद किया है 9 बजे। अब गेट कर दिए बंद, हम एकदम सही टाइम पे पहुंच गए थे, कपाट बंद कर दिए। अब ये सुबह 4:30 बजे कपाट खुलेंगे। हमारे बंदों ने सबने दर्शन कर लिए, एक को छोड़ के एक पीछे रह गया। हाँ जी खुले दर्शन करके कितना लग रहा है? आप पुराना से पहले ही पहुंच गए साढ़े, तो अब भाई ने 2 बार दर्शन कर ले हले सवेरे वे करने हैं और कल मंडे है, सोमवार है, तो कल हम फिर दर्शन करेंगे बाबा जी के। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। भाई रात को गए थे लेट, तो रात को अंधेरे में लगाया था कैंप, तो वीडियो तो बना नहीं पाए हम। मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ, ये रहा है मॉर्निंग का पहला व्यू। रात को हमने यहाँ पे कैंप लगाया था मंदिर के पीछे, धूप निकल गया बहुत तेज। ये देखिए भाई यहाँ पे लगाया था, गला बैठ गया। ये हमारा पहला टेंट, ये दूसरा टेंट और एकदम मंदिर के पीछे लाइन लग गया है सुबह सुबह। और ये पत्थर है जिसकी वजह से मंदिर बचा था, और पूरा वाइट हो रखा है ऊपर। यहाँ से 360 भी देता हूँ आपको एक। सारा सामान रख दिया है, हम जा रहे हैं माथा टेकने। माथा टेक ही जाएंगे, टेंट ऐसे छोड़ के जाएंगे। लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जब माथा टेकने जाते तो सामान कैसे रखते हो, तो सामान हमारा ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी ऐसी था और अब भी ऐसी है। अब हम जाएंगे सीधा माथा टेकने। भाई बहुत अच्छा कर दिया इस बार, ये पूरी लाइन के साथ चल रहा है, ये डबल लाइन चल रही है यहाँ से, तो हम लाइन में लगे पड़े हैं। इस बार बहुत अच्छे रूल एंड रेगुलेशन कर रखे हैं, लास्ट टाइम तो ऐसे ही था। बोले बाबा केदार, लास्ट टाइम ये सब नहीं था। दर्शन हो गए खुले डुल्ले, सीधा अंदर तक गए थे क्योंकि 11 बजे तक अंदर जा सकते हैं, फिर बाद में 11 बजे के बाद बाहर से दर्शन होते हैं। और आज मंडे है तो आज की भीड़ देखिए आप, आज की भीड़ देखिए भाई। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, ये भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ से वो हो रहा मंदिर। ट्रैक स्टार्ट हो जाता भाई भैरव बाबा के मंदिर का, बहुत ठंडी हवा चल रही है, वो रहा ट्रैक यहाँ से। तो यहाँ से करते हैं भाई ट्रैक स्टार्ट भैरव बाबा जी के मंदिर के साथ, पूरी बर्फ पड़ी हुई है भाई। ऊपर से ना व्यू दिख रहा है कुछ, आपको दिखाता हूँ। ये रहे हमारे केदार बाबा जी, और लाइन देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाते हुए एकदम पीछे तक है, कम से कम 4-5 किलोमीटर की लाइन है। देखो इनका नंबर पता नहीं कब तक आएगा। पहुंच गए भैरव बाबा की जी के मंदिर, और देख सकते हो पूरा पहाड़ बर्फ, तो यहाँ से देखिए
को नहीं मिल रहा है तो वो नकेदार जी का मंदिर यहाँ से नहीं मिल रहा है नकली दे रहा है पूरे यहाँ सही कलर में रहते हैं भाई। लंगर की सेवा भी एक जगह, तो यहाँ पे पुल पार करके मंदिर से लंगर की सेवा है। बोलना लंगर भाई खच्चरा रस इन्ना यात्री नहीं जिन्हें खच्चर आ देखो जी खच्चर ही खच्चर पैदल निकलने की जगह ही नहीं है। देख सकते हो भाई ये घोड़े की क्या हालत हो गई है। तो प्लीज़ कृपया करके घोड़े को मत यूज़ कीजिए, ये घोड़े चलने लायक नहीं है। पता नहीं कितना वजन ढो रहे हैं इसके ऊपर, ये देखो आपके सामने है। तो आप सबसे ये अपील करूँगा कि या तो हेलीकॉप्टर से आइए या तो फिर अपना पैदल आइए, बट ये सब मत यूज़ कीजिए जानवरों से। जानवरों को इतना कष्ट मत दो। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, आ देख लो बंदे साढ़े स्नोफॉल का नज़ारे ले रहे हैं। आ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया पूरा। अभी यहाँ से रामवाड़ा में वापिस आ रहे थे, यहाँ पे एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। हम शाम तक पहुँच जाएंगे रामवाड़ा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया। तो स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं बंदे हमारे। जी कैसे घोड़े से गिर गया बेचारा, अभी देखो घोड़े की हालत खराब कर रखी है। ये देखो कितना कष्ट उठा रहे हैं ये, थोड़ा इन पे दया खाएं ये। और जो बंदे इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, जितने यात्री फिट हैं वो भी खच्चर यूज़ कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अब देखो ये 80% यात्री फिट हैं जो खच्चर यूज़ कर रहे हैं। भाई बीच में ऐसे नेचर की ब्यूटी देखते हैं, जितनी थकावट होती है सारी उतर जाती है। और मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस दूँगा, मतलब एक यही एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, खच्चरों से बहुत सावधान रहना। खच्चरों ने इतना मतलब वो देखते नहीं है कि मतलब यात्री जा रहा है नहीं जा रहा, टक्कर मार देते हैं, वो सीधा ऊपर चढ़ते हैं। तो इसलिए खच्चरों से बच के रहना। और ये व्यूज़ देखो सारी थकावट उतार देते हैं। ये व्यू एकदम रास्ते के बीच में बह रहा है, साथ में नदी बह रही है। हो मज़ा आ गया भाई। ये खच्चर भाई 3 बार जी, ये देखो ये अत्याचार कर रहे हैं इस पे, देख रहे हो कितना अत्याचार कर रहे हैं जानवरों पे यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे मतलब शासन प्रशासन कुछ कोई सुनवाई नहीं है। ये देखो बेचारे से चला नहीं जा रहा है, और यंग बंदे बैठे हुए हैं देखो बेचारे से, देखना इसकी लाते देखो, ये देखो। तो भाई कृपया करके हाथ जोड़ के बेनती है, इन खच्चरों पर मत आओ भाई, जो घर रहो, इन जानवरों पे इतना अत्याचार मत करो किसी भी तरह का। बेचारे से चला नहीं जा रहा है, उस पर फिर अत्याचार कर रहे हैं। देखो ये देखो कैसे अत्याचार कर रहे हैं। YouTube चैनल है ये देखिए भाइयों, उस पर कितना अत्याचार कर रहे हैं ये, इसे चला भी नहीं जा रहा है, जबरदस्ती चलवा रहे हैं इससे। और यंग बंदे बैठे हुए हैं वो देखो, बेचारे की कितने लाते स्लिप कर रही हैं। क्या यार ऐसी यात्रा का कोई फायदा नहीं है। कृपया हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सभी अपने भाइयों को जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये भाई में मिले खच्चर वाले, इन्होंने हमें यहाँ का थोड़ा बताया कि मतलब यहाँ पर डे 15 से 20 हज़ार के बीच में खच्चर हैं, और डेली 15 की 15 डेथ होती है, मतलब एवरेज है 15 की डेथ की। तो भाई क्या करना है ऐसे यात्रा का, तुम जानवरों को मार रहे हो यहाँ पे,
अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ भी नहीं उठाते उनकी कोई, तो 20,000 रुपये दे के गवर्नमेंट ये डुआ दी है। तो कहाँ के रहने वाले भाई तुम? चमोली के भाई। भाई चमोली के भाई ने हमें थोड़ा बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में, तो इसलिए बोलूँगा भाई खच्चरों पे यात्रा ना कीजिए, ना कीजिए। दिल्ली की एवरेज 15 खच्चर मिलने की है, 15 से 20, और जितने भी यात्री मतलब जिसके भी वो खच्चर होते हैं वो खच्चर को एज इट इज वहीं पे छोड़ के चल जाते हैं, ना ही उनकी डेड बॉडीज़ को उठाते हैं, ना ही कहीं जो उनकी जगह बनी वहाँ रखते हैं, ऐसे बीच रोड में छोड़ के चले जाते हैं। एक तो इससे बोझ उठवा रहा है, ऊपर से यही इसको गाली दे रहा है, शर्म नहीं आती गाली देते हुए? हाँ भाई देखना इधर देख, शर्म नहीं आई तुझे उससे गाली देते हुए? तेरी अपनी एक तो तेरी रोजी रोटी है वो, ये इनका हाल है भाई है? देख सकते हो ये अत्याचार कर रहे हैं ये सब। प्लीज खच्चर घोड़े ना लीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सबको। एक तो उनसे काम कर रहे हैं, डंडे मारते हैं उनको, खाना पता नहीं दे रहे हैं, टाइम से नहीं दे रहे हैं, एक दिन में 10-10 चक्कर मार रहे हैं, पर डे 10 खच्चर मर रहे हैं यहाँ पे। और यही गाली क्यों दी तूने इसको? है भाई कुछ मिला गाली दे के? मिला तो बता दे। प्यार से गाली दी है, प्यार से गाली दी है, ये हाल है भाई इनका। ये देख लो बंदे की शक्ल देखो, ये देख रहे भाई से चला भी नहीं जा रहा बेचारे से, और ये बंदा गाली दे रहा है इसे, ये देखो ये हाल है भाई इन सबका। देखना भाई कैसे स्लिपे मार रहे, देखो उसकी लातें टूट जाएंगी भाई, उसको रेस्ट दे दे भाई, रेस्ट दे दे उसे, देख उसकी लातें मुड़ रही हैं, शर्म कर लो कुछ तो तुम्हें अकल है, देख लो भाई इतना बोलने के बावजूद घोड़ों में अकल है, घोड़े चलाने वाले में जीरो अकल है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखते रहना भाई इनकी लातें जैसे चला नहीं जा रहा, ये देखो ये देखो, देख रहे हो उसकी लातें, उसको बोल रहा हूँ रेस्ट दे दे उसे, बट उसे रेस्ट देने के लिए राजी नहीं है वो। 10 मिनट रेस्ट दे दे भाई उसे। हाँ भाई 10 मिनट रेस्ट दे दे यार बेचारे को, रोक ले इसको 10 मिनट के लिए। क्या कह रहे हैं है? क्या बोल रहा मेरे भाई? अच्छा भाई कह रहा है काम कम हो जाएगा भाई का, ये हाल है। हाँ हाँ बोल और बोल। अरे ये दिहाड़ी वाला भाई। हाँ दिहाड़ी वाला है ना, उसको रेस्ट दे देना। देख लो भाई इनको शर्म नहीं है, उसकी लाते बेचारे की काम नहीं कर रही है, ये देख लो कितनी देर से बेचारा ऐसे चल रहा है, बट ये जब तक इसकी जान ही निकल जाएगी जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देख लो ये देख लो ये देखो ये देख लो उसकी लाते देखो बेचारे की, देख रहे हो भाई, पर इनको शर्म नहीं आ रही है। ये देखो फिर स्लिप कर गया, ये देखो भाई लाते टूट जाएंगी उसकी, बुरा हाल है मेरे भाई बहुत बुरा हाल है। देखो बच्चे बच्चे हैं, हड्डियां निकली पड़ी हैं इनकी, ये देख लो बेचारे से लात भी नहीं रखी जा रही है इस टाइम, कितना अत्याचार कर रहे हैं यार। रश देखो भाई पूरा रोड ब्लॉक पड़ा है। हर हर महादेव मेरे सभी भाइयों को। तो भाई आपने वीडियोस देख ली होगी मेरी, तो उसमें देखा होगा कि मतलब घोड़े खच्चरों पे कितना अत्याचार हो रहा है केदारनाथ में ना, तो मैंने पूरी वीडियो में जैसे बोला है कि घोड़े खच्चर मत यूज़ कीजिए, अगर आप में दम है अपनी हिम्मत है तो पैदल जाइए यार, पैदल यात्रा का मजा ही कुछ हो रहा है। अगर नहीं चल सकते कुछ इश्यूज हैं तो अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट कराइए, मतलब ऐसे किसी के ऊपर अत्याचार करके यात्रा करने का कोई मजा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। तो आप भाई मतलब एक छोटी
एक छोटी सी क्लिप थी वो मैंने शूट भी नहीं कर पाया वहाँ अच्छे से, और ना ही मेरे में हिम्मत हुई थी शूट करने की। वहाँ पे एक खच्चर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसका मालिक उसको छोड़ के चला गया है और वो डेड बॉडी फूल चुकी है। आई थिंक पता नहीं एक से दो दिन की पड़ी होगी, स्मेल आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोग गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते हैं तो गवर्नमेंट के लोग आते हैं उनको उठा के ले जाते हैं, या तो फिर नदी के आसपास कहीं फेंक देते हैं। तो भाई मतलब क्या क्या मतलब हम उधर कुछ जुल्म करने जा रहे हैं क्या? तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए घोड़े खच्चर। अगर आप में क्षमता है तो पैदल जाइए, उसकी यात्रा का मजा ही कुछ और है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।